देखिए आशीष पूरे प्रचार अभियान को रफ्तार देने की कवायद लगातार जारी है बीजेपी में भी केंद्रीय नेता राज्य स्तर के नेता सभी लोग सक्रिय हैं और कांग्रेस में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कांग्रेस में अभी तक स्टार प्रचारकों के दौरे कम हो रहे हैं लेकिन बीजेपी में जो संगठन के पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और सरकार में जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय हैं प्रदेश महामंत्री भजन शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं भजन जी किस तरीके से बीजेपी अपने प्रचार अभियान को रफ्तार दे रही है अब जबकि चुनाव प्रचार के केवल छः दिन बच गए देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चला है हम मानते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे सभी नेता उन्होंने अपनी जगह जहाजा हैं उन्होंने कमान संभाली है और बाहर से भी हमारे नेता आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम लगातार एक दिन में चार चार पाँच पाँच जगह की उनकी सभा हो रही है और खुशी इस बात की है कि वो सभा चाहे मुख्यमंत्री जी की हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की हो जो जनता का सैलाब है जनता का जो मन है जनता के अंदर जो उत्साह है वो जनता ये मान चुकी है कि इस देश में और प्रदेश में अगर कहीं कोई विकास करा सकती है गरीब कल्याण का कर काम करा सकती है इस देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है इसलिए जनता में जो उत्साह दिखता है आप देखते होंगे रैलियों में छोटी छोटी रैली जो होती हैं उनमें भी गांव में जो होती हैं उनमें भी किस तरह की जन सैलाब उमड़ रहा है निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे बहुमत के साथ लेकिन कांग्रेस का ये सवाल होता है कि बीजेपी के नेता अलग अलग सभाएं कर रहे हैं जहां अमित शाह जाते हैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं जबकि वो लोग एक साथ पहुंच रहे हैं क्या आप लोगों का ये वैज्ञानिक तरीका है इसको आप ताकत को अपनी अलग अलग जगह लगा रहे हैं या इससे नुकसान हो रहा है पार्टी देखिये मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता जिस तरह से बात करते हैं मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता सभी जहाँ जहाँ आवश्यकता है पूरी रूप से जा रहे हैं आज अलवर की सभा आपने देखी होगी माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वो पहली सभा थी सभी उसमें थे आगे आप देखिए जहां जहां हमारे एक कार्यकर्ता जा रहे हैं सबकी अलग अलग सभा हैं आप देखते होंगे जिस तरह का समुदाय उमड़ रहा है जिस तरह से कांग्रेस में एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात नहीं है और मुख्यमंत्री ने अपने दौरों की रफ्तार बढ़ा दी है अमित शाह के दौरे विधानसभा स्तर पर भी हो रहे हैं ऐसा नहीं कि केवल जिला स्तर पर हो रहे हैं इसके क्या मायने हैं देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दौरे लगे हुए हैं जिला स्तर पे भी हैं कुछ विधानसभा स्तर पे भी हैं विधानसभाओं में हमने एक दो विधानसभाओं को मिला करके उनके दौरे बने हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि विधानसभा का दौरा होता है जिले का दौरा होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में जिस तरह से आपने देखा होगा बस्सी में कट चालीस पचास हजार लोग बस्सी में पचास लोगों की जमघट जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह था पब्लिक सुनने आई थी उनको ये निश्चित रूप से यह घोषित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के एक सवाल और कर लीजिए योगी आदित्यनाथ की भी ज्यादा मांग आ रही है और वो मांग प्रधानमंत्री की सभाओं से ज्यादा हो रही है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ योगी जी जितनी सभा दे रहे हैं काफी सभाएं उन्होंने दी है मांग तो सभी नेताओं की आ रही है हमारे यहाँ जहा जिस तरह का है वहां सभी नेताओं की मांग आ रही है जिस तरह, तरह से समय मिल रहा तो है हम अगर आवाज मिल पा रही तो एक तो सवाल और करिए जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ का आपने सवाल किया योगी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब हम आयोग में शिकायत कर चुके हैं और कहेंगे चुनाव प्रचार इनका बंद होना चाहिए क्योंकि जातिगत आधार पर बातें हो रही है धर्म को आधार पर बातें की जा रही है बजरंग को दलित और इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जो ठीक नहीं है चुनाव के दरमियान उसको लेकर एक रिएक्शन लीजिए कि क्या है और दूसरा कमल संदेश के यात्रा तो हुई लेकिन अब कमल दिया अभियान चला रहे हैं क्या कुछ तैयारी इसको लेकर बिल्कुल देखिए आशीष आज से कमल दिया अभियान शुरू हो रहा है प्रदेश स्तर पर बीजेपी का इस पर भी बात करेंगे लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की जाति बताई कहा कि वे दलित थे इसको लेकर के कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी कर रही है नोटिस दिया गया है लीगल ब्राह्मण महासभा की तरफ से क्या ये पार्टी को बैकफुट पर नहीं धकेल रहा अब देवी देवताओं को भी जाति में बांटा जा रहा है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो कांग्रेस बात करती है और कांग्रेस के अंदर जो मन में जो पाप होता है ना वो धीरे 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 उजागर होता है कांग्रेस ने हमेशा धर्म और जाति की बात की है और कांग्रेस उसी पथ पर चल रही है नहीं लेकिन देवी देवताओं को जाति में बांटा जा रहा है ये कहाँ तक न्याय संगत नहीं ये मैं आपसे वही तो बताना चाहता हूँ जिस तरह से कांग्रेस उस बात को तूल दे करके उस हिसाब से लेना चाहती है वो कांग्रेस की फितरत में है नहीं लेकिन ये तो कांग्रेस ने नहीं कहा अभी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा इसमें देखो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि स्थिति यह है कि इस बात को जिस तरह से उन्होंने कहा है उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण स्थिति जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह की स्थिति है उन्होंने दूसरी तरह से उसको रखा उन्होंने सही कहा जो कहा है हाँ देखिए योगी आदित्यनाथ के बयान को पूरी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है यहाँ पर भजन शर्मा कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो पूरी तरीके से सही कहा है लेकिन क्या इस सब इस तरीके के बयानों से पार्टी का चुनाव अभियान प्रभावित हो नहीं होता रफ्तार पकड़ेगा या कमजोर होगा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किस संदर्भ में किस तरह से बात कही जाती है उस चले, हमारे हमारे आपके पास और भी